वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अबाउट असेंशियल ऑयल्स। इसको यूज करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ये किस किस तरहों से यूज होता है, सारी डिटेल्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और किस तरह का एसेंशियल ऑयल आप कहाँ यूज कर सकते हैं वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एसेंशियल ऑयल एक्चुअली में है क्या? तो एसेंशियल ऑयल बेसिकली इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट स्पीशीज। प्लांट के अंदर से निकाला जाता है एसेंशियल ऑयल को, और सारे तरह के प्लांट एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ तरह के प्लांट ही सिर्फ एसेंशियल ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एसेंशियल ऑयल है ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर में, या फिर किसी फ्रूट में। एसेंशियल ऑयल यूजुअली यूज होता है अरोमा थेरेपी में इन अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये एक तरह का प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, बट अल्टरनेटिव मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, हेल्थ बेनिफिट्स में यूज होता है ये। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग एसेंशियल ऑयल को अपने घर को फ्रेशन अप रखने के लिए डिफ्यूजर्स में यूज करते हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा डिफ्यूजर में यूज करती हूँ एसेंशियल ऑयल को। बहुत सारे लोग इसको लॉन्ड्री में यूज करते हैं टू फ्रेशन अप देयर क्लोथ्स। बहुत सारे इसमें इसको स्किन केयर के लिए यूज करते हैं, हेयर केयर के लिए यूज करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं एसेंशियल ऑयल के, तो आज हम उसी के बारे में बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो एसेंशियल ऑयल है वो प्योर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, अच्छी जगह से परचेज किया होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ऊपर तो लिख देते हैं हर्बल है, नेचुरल प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली में वो नेचुरल और हर्बल नहीं होते हैं। सो ऑलवेज चेक देयर इंग्रेडिएंट्स कि वो कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स कोई भी ब्रांड जो है वो आगे कुछ भी लिख सकता है, नेचुरल, हर्बल, फलाना ढिमकाना, जो लिखना हो वो लिख सकता है, बट इंग्रेडिएंट्स में उसको 100% जो एक्चुअल चीजें हैं वही लिखनी पड़ती है, अदरवाइज उस कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। सो ऑलवेज चेक इंग्रेडिएंट्स बिफोर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओके, किसी भी चीज को आप लेने के पहले इंग्रेडिएंट्स जरूर उसका चेक करिए। तो बहुत सारे तरह के एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल है मार्केट में। मैं जो एसेंशियल ऑयल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वासु एरोमेटिक्स एसेंशियल ऑयल। जो अगर आपने मेरा हेयर केयर का त्रिचप वाला वीडियो चेक किया होगा तो मैंने उस वीडियो के उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद लिटरली 2-3 वीडियोस में ये चीज बोला था कि दिस वाज वन ऑफ द अंडररेटेड प्रोडक्ट, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बट आई डोंट नो क्यों ये अंडररेटेड है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, बट वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। एंड इनफैक्ट दैट वाज अ हर्बल प्रोडक्ट एज वेल, मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलता है। तो उन्हीं की कंपनी का ये एसेंशियल ऑयल्स है। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, तो जब उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया फॉर एसेंशियल ऑयल्स आई वॉज लाइक आई डू दिस कोलैबोरेशन। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो इन द कोलैबोरेशन विद वासु हेल्थ केयर। तो इस तरह के एसेंशियल ऑयल्स उन्होंने मुझे काफ़ी सारे 12 तरह के एसेंशियल ऑयल्स भेजे हैं। अब कौन सा एसेंशियल ऑयल कहाँ किस काम के लिए यूज़ किया जाता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। द फर्स्ट एसेंशियल ऑयल इज टी ट्री ऑयल। ये है वासु एरोमेटिक्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जो कि 100% प्योर एंड नेचुरल है। 10 ml का ये प्रोडक्ट है, और बेसिकली आई थिंक अब तो आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि टी ट्री कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, फंगस इन्फेक्शन है, उन सब के लिए टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक्चुअली में ये जो टी ट्री ऑयल है ये किस किस चीज़ों में यूज़ होता है? ये जर्म्स को फाइट करता है, आपका स्किन अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ ऑयल को रिड्यूस करता है और स्किन की ड्राइनेस को हटाता है। एंड इट हैज सम मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज एज वेल, तो जिसके लिए ये मसाज एंड एरोमा थेरेपी के लिए भी बहुत यूजफुल है। कभी भी एसेंशियल ऑयल को आपको डायरेक्टली आपके स्किन पे नहीं लगाना है, आपको किसी भी चीज़ में रब करके या वाटर भी इनफैक्ट उसको ड्रॉप्स मिला करके लगाइए। डायरेक्टली आपको एसेंशियल ऑयल अपने स्किन पे कभी भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं काफ़ी टाइम से टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव इट। तो फर्स्ट है टी ट्री ऑयल। सेकेंड है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। लाइक लिटरली ऑलमोस्ट डेली मैं लैवेंडर एसेंशियल ऑयल अपने डिफ्यूजर में यूज़ करती हूँ। एक तो लैवेंडर ऑयल और दूसरा लेमन ग्रास, ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब लिटरली ये मूड को अपलिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको डल मूड हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको थकान है, जस्ट ऐड 2-3 ड्रॉप्स इन योर डिफ्यूज़र और आपका मतलब लिटरली टेंशन, थकान, सर दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेमन ग्रास है, ये एक्चुअली में कामिंग, सूदिंग एंड रिलैक्सिंग ऑयल है। ये एक्चुअली में फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है और आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। ये लेवेंडर ऑयल जो है, अगर आप लथार्जिक एंड लो इन स्पिरिट्स फील कर रहे हैं देन दिस इज व्हाट यू नीड। क्योंकि ये फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इट स्मेल्स ग्रेट, और ये स्ट्रेस रिलीवर एक तरह का आपके हेडेक को, आपके माइंड को, आपकी रेस्टफुल स्लीप को ये प्रमोट करता है। क्या
फिर उसके बाद आते हैं लेमन एसेंशियल ऑयल। तो लेमन एसेंशियल ऑयल मैं डेफिनेटली अपने डिफ्यूजर में यूज नहीं करती हूँ। मैं जब नहाती हूँ या जिस भी दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ तो एक मग में मैं 2 से 3 ड्रॉप ऑफ ऑयल को डालती हूँ, और जब मेरा पूरा कंडीशनर, हेयर वॉश सब कुछ हो जाता है उसके बाद अपने बालों को उसे रिंस कर लेती हूँ। सो व्हाट इट डज इज, एक तो ये आपके डैंड्रफ को तो हटाता ही हटाता है, साथ ही साथ आपके बालों को शाइनी इफेक्ट देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली लेमन एसेंशियल ऑयल है तो लेमन तो फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिल एसेंशियल ऑयल के ऊपर। तो तुलसी ऑब्वियसली हम सबको पता है कि एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो रखा है तो आप इस एसेंशियल ऑयल को यूज कर सकते हैं। इस ये आपके एंजाइटी एंड टेंशन को भी रिलीफ करता है। अब आप ये सोचेंगे कि इन एसेंशियल ऑयल्स को पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमको कैसे यूज करना है, तो उसके लिए यू हैव नॉट टू वरी। पीछे सारा इन लोगों ने दे करके रखा है कि एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, देन इंग्रीडियंट्स ये हैं, व्हाट इट डज, ये एक्चुअली में काम क्या करता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके साथ डायरेक्शंस फॉर यूज, आपको बाथ में कैसे यूज करना है, मसाज में कैसे यूज करना है, एयर फ्रेशनर में कैसे यूज करना है, ये सब कुछ इसमें पीछे दिया हुआ है। आता है रोजमेरी ऑयल। तो रोजमेरी की भी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। तो अब देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है। बेसिकली जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है इसके अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज है, आपके हेडेक को, मस्कुलर क्रैम्प एंड बॉडी एक्स को ये दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपका आपने बहुत विगरस एक्सरसाइज कर ली है और आपके मस्कुलर स्ट्रेन है या स्टिफनेस है तो उसको भी ये रिलीव करने में हेल्प करता है। ये साथ ही साथ आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि कोल्ड, साइनस एंड कंजेशन अगर है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली यूज रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट आते हैं रोज एसेंशियल ऑयल। तो रोज, तो यू नो आई थिंक रोज की तो फ्रेग्रेंस सूंघते से ही, खुशबू लेते से ही मन फ्रेश हो जाता है। सो आई एम श्योर ये अरोमा थेरेपी के लिए तो बेस्ट होगा। सो इसके ये बेसिकली करता क्या है, ये लग्जूरियस एसेंशियल ऑयल है अरोमा थेरेपी में, एंड आपको साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन देता है और आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ स्ट्रेस को, एंजाइटी को और आपके माइंड एंड बॉडी को ये रिलैक्स करता है। सो दिस इज बेस्ट फॉर रिलैक्सिंग एंड यू नो ये लग्जूरियस एसेंशियल ऑयल है। सो मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट टुमारो इटसेल्फ। नेक्स्ट है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। तो बेसिकली जो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, अगर आपको कोल्ड हुआ है या फ्लू हुआ है तो ये आपका नोज का जो कंजेशन होता है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ आपके मूड को एलिवेट करता है और आपके स्ट्रेस को हटाता है। साथ साथ इसके अंदर सिट्रस अरोमा है जो कि आपकी मूड को और एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। तो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल क्या करता है, ये आपके ऑब्वियसली कोल्ड को, हेडेक को, साइनस कंजेशन को, आपके थकान को, मसल्स की जो थकान होती है उसको, फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको अगर थकान हो गई है उसको ये ठीक करता है। फीलिंग ऑफ एनर्जी एंड वेल बींग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आते हैं वेटिवर एसेंशियल ऑयल। ये भी मैंने कभी यूज नहीं किया है, सो लेट्स सी कि क्या काम करता है। प्रमोट योर रेस्टफुल स्लीप एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ सेरेनिटी। ये हेल्प करता है आपके गुस्से को रिड्यूस करने में, आपके पैनिक अटैक्स आते हैं उसको रिड्यूस करने में। अगर आप इरिटेटिव पर्सनैलिटी हैं, आपको बहुत इरिटेशन होती है, उसको ये रिड्यूस करता है। एंड साथ ही साथ रेस्टलेसनेस जो फीलिंग होती है उसको ये रिड्यूस करता है। सो दिस इज एक्चुअली लाइक वेरी हेल्पफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल है ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि सर्दी खांसी हो जाना, कोई फ्लू हो जाना, या आपकी बॉडी में कोई पेन है या आपको कोई बॉडी एक हो रहा है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। अगर आपके मसल्स सूज चुके हैं या आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है तो उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यूकेलिप्टस ऑयल जो है ये ऑल्सो, अगर आपके घर में जर्म्स हैं या आपके घर में इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा है उसको हटाने में हेल्प करता है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपके घर में आज कीड़े मकौड़े हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, जो भी इंसेक्ट्स हो रहे हैं, फ्लाइंग चीज़ें हो रही हैं या जर्म्स हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको एज ए यू नो एयर डिफ्यूजर में यूज़ करके उस दिन वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ये थे मेरे पास सारे तरह के एसेंशियल ऑयल्स। कौन सी चीज़ किस लिए काम आती है होगी मैंने आपको डीपली बताया है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इनमें से पसंद आया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, आप परचेज कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।